हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज सूरज कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सूरज कुमार। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सम करेक्ट एडजेक्टिव के बारे में, आज जो मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट डिग्री ऑफ कंपेरिजन के बारे में, मैं आपको बताऊँगा हाउ मेनी काइंड ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन, डिग्री ऑफ जो कंपेरिजन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उनके जो प्रकार है डियर स्टूडेंट, लाइक आपका पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बताऊंगा। और आज जो मैं आपको इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव डिग्री के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव डिग्री। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए डिग्री ऑफ कंपेरिजन। तो डियर स्टूडेंट जो डिग्री ऑफ कंपेरिजन होता है, जैसा कि जो इंग्लिश होता है आपका, इंग्लिश में देयर आर थ्री डिग्री इन इंग्लिश। जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश ग्रामर में आपके तीन डिग्रियां होती हैं। पहला जो डिग्री होता है उसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं डियर स्टूडेंट। पॉजिटिव डिग्री होता है आपका मूल अवस्था। क्या होता है आपका? मूल अवस्था होता है डियर स्टूडेंट। एंड सेकेंड जो होता है आपका कंपेरेटिव डिग्री होता है। कंपेरेटिव डिग्री मीन्स होता है आपका उच्चतर अवस्था डियर स्टूडेंट। क्या होता है आपका? कंपेरेटिव डिग्री मीन्स उच्चतर अवस्था। एंड थर्ड इज डियर स्टूडेंट, थर्ड जो होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मीन्स होता है आपका उच्चतम अवस्था। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो डिग्री ऑफ कंपेरिजन होता है, देर आर थ्री डिग्री ऑफ कंपेरिजन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आपका तीन आपका होता है डिग्री ऑफ कंपेरिजन, लाइक आपका पॉजिटिव डिग्री मीन्स होता है आपका मूल अवस्था, कंपेरेटिव डिग्री मीन्स होता है उच्चतर अवस्था, एंड सुपरलेटिव डिग्री मतलब होता है आपका उच्चतम अवस्था। डियर स्टूडेंट जो फर्स्ट है आपका पॉजिटिव डिग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो मैं डिस्कस करूँगा पॉजिटिव डिग्री के बारे में डिस्कस करूंगा, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव डिग्री। डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा, जो पॉजिटिव डिग्री होता है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति, डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण, अवस्था आदि का बोध कराने के लिए होता है तो पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। डियर स्टूडेंट एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो पॉजिटिव डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है कि जब हम किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण, के सामान्य गुण, अवस्था आदि का बोध कराने के लिए होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे ध्यान दीजिएगा, दिस पॉजिटिव डिग्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जो पॉजिटिव डिग्री होता है क्या होता है कि ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी समान व्यक्ति या वस्तु के आपका गुण हो या दोष हो या अवस्था हो के बारे में बोध कराने के लिए होता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि जो पॉजिटिव डिग्री होता है हमेशा हम इसको किसके बीच में रखते हैं? एस एंड एस, एच डैश एच। जो पॉजिटिव डिग्री रखते हैं हमेशा एच डैश एच के बीच में रखते हैं। और डियर स्टूडेंट इसके अलावा एक और वर्ड आता है आपका सो डैश एच। ये जो आपका जो बीच में मैंने आपको बिंदी लगाया है, जो डैश है आपका, इलिप्सिस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलिप्सिस बोलते हैं। तो इसके बीच में डियर स्टूडेंट क्या आता है? आपका एडजेक्टिव आता है। हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि जो एडजेक्टिव होता है डियर स्टूडेंट हमेशा एज और जो इलिप्सिस होता है, जो बीच में हमने स्पेस दिया है उस इलिप्सिस के बीच में क्या आता है? आपका पॉजिटिव डिग्री वर्ड आता है। और डियर स्टूडेंट इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, सो इलिप्सिस एज जो आता है, ये जो इलिप्सिस बना हुआ है इसके बीच में जो एडजेक्टिव वर्ड आएगा वो पॉजिटिव डिग्री में ही होगा। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बात आपको ये भी ध्यान देना है, एज या सो एज के बाद जो आपका जो सब्जेक्ट आएगा हमेशा आपका नॉमिनेटिव केस होगा, कर्ता कारक के रूप में यूज करेंगे, ना कि किसी अदर रूप में। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एज के बाद हमेशा हम क्या करते हैं? नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको पॉजिटिव डिग्री समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल्स क्या होता है, व्हाट इज एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लाइक आपका सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता। ध्यान दीजिएगा, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो एज है आपका एज एंड एज, एज और एज जो आपका अर्थ देता है, इसका मतलब हिंदी में जो अर्थ देता है
उतना जितना एक्सचेंज देता है, कितना क्या देता है आपका, उतना जितना एक्सचेंज देता है। लाइक आपका कह रहा है कि सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता, कह रहा है कि सीता उतना सुंदर है, उतनी सुंदर है जितनी की गीता। तो डिशन ध्यान दीजिएगा, एज इलेप्सिस एज का मतलब जो होता है क्या होता है आपका, उतना उतना जितना, उतना जितना का सुंदर देता है, उतना जितना सुंदर देता है। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, लाइक आपका राम इज एज हैंडसम एज श्याम, राम इज एज हैंडसम एज श्याम, इसका जो मतलब होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है कि राम उतना सुंदर है जितना कि श्याम। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ जो सेंस दे रहा है, क्या दे रहा है आपका, उतना और जितना जितना का सुंदर दे रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आप ये भी ध्यान देना डिस्टेंट, ये जो एज है एज इलेक्ट्रिस है, इसका जो बेसिकली जो अर्थ होता है डिस्टेंट, ये हमेशा आपका क्या होता है, ये हमेशा आपका क्या कहता है, जैसे समानता बताता है, टेल से बहुत सिमिलरिटी, हमेशा क्या होता है आपको ये सिमिलरिटी के बारे में बताता है। आपको ये ध्यान देना है डिस्टेंट, ये जो यूज होता है इट इज यूज इन, इट इज यूज इन पॉजिटिव, इट इज यूज इन पॉजिटिव, हमेशा ध्यान दीजिएगा जो एज एज है कि हमेशा आपका पॉजिटिव यूज होता है, हमेशा सकारात्मक रूप में यूज होता है, ना कि नकारात्मक। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दूसरा है आपका सो एज, ही इज नॉट सो गुड एज आई, कह रहा है कि वह उतना सुंदर, वह इतना अच्छा नहीं है जितना कि मैं, वह इतना अच्छा नहीं है जितना कि मैं। ये भी डी एज सो और जो एज होता है ये भी आपका क्या देता है, उतना जितना का ही संग देता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा डिस्टेंट, ये जो सो एज है, सो एज इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, जैसे नेगेटिव सेंस, ध्यान दीजिएगा डिस्टेंट, ये हमेशा क्या होता है आपका, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, जो सो एज होता है ये भी आपका बेसिकली क्या रहता है आपका, सो ये भी क्या देता है आपका, जैसे उतना जितना का ही सेंस देता है। आपको ये ध्यान देना है कि जो सो इलेक्ट्रिस एज है, इसका प्रयोग हमेशा हम निगेटिव सेंस में करते हैं, ना कि पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव सेंस में। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, यू आर नॉट सो हैंडसम, यू आर नॉट सो हैंडसम, यू आर नॉट सो हैंडसम, इसे ध्यान दीजिएगा, यू आर नॉट सो हैंडसम एज हिम, तुम उतना हैंडसम नहीं हो, उतना सुंदर नहीं हो जितना कि वह, हमेशा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एज ही होगा, क्योंकि हम नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होगा, ना कि पॉजिटिव केस का। तो कह रहे यू आर नॉट सो हैंडसम एज ही, तुम उतना सुंदर नहीं हो जितना कि वह। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो सो एलिप्सिस जो एज है आपका, हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, ये उतना जितना का ही सेंस देता है, और सो एंड एज है इसके बीच में हमेशा हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। एज एंड एज है इसके बीच में हमेशा हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। फ्रेंड आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड ये हमेशा आपको ध्यान देना है कि एज इलेप्सिस एज, जो इलेप्सिस है आपका जो स्पेस है, इसमें हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और जो आपका सो है डियर स्टूडेंट, उसके बाद इलिप्सिस आ रहा, फिर आ जा रहा है, ये जो इलिप्सिस है, इलिप्सिस के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा डियर स्टूडेंट। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट हमेशा ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने जस्ट आपको बताया है जो डिग्री होता है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन होता है, देयर आर थ्री डिग्री ऑफ कंपेरिजन, फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री एंड सेकेंड इज कम्पेरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो पॉजिटिव डिग्री है सो इलिप्सिस के बीच में भी रख सकते हैं, सो एज के बीच में रख सकते हैं, एंड एज के बीच में भी रख सकते हैं। इसके अलावा डिस्टेंट जो आपका पॉजिटिव डिग्री है, लाइक आपका गुड, बेटर, बेस्ट, ये जो गुड है, गुड का भी हम प्रयोग किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया डिस्टेंट, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया डिस्टेंट। डिस्टेंट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा व्हाट इज कंपेरेटिव डिग्री, वट इज डिफिनेशन ऑफ कंपेरेटिव डिग्री, एंड हाउ टू यूज कंपेरेटिव डिग्री इन अ सेंटेंस, किस तरीके से हम एक सेंटेंस में कंपेरेटिव डिग्री का उपयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, और अगर आप कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आपका यूपी टेट, सीटेट, टीजीटी, डियर स्टूडेंट प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारा जो चैनल है
लर्निंग स्टूडेंट्स को, इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच जी।